हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं अविनाश और मैं आज फिर से आपको होंडा ग्रास कटिंग मशीन के बारे में बताने वाला हूं। बहुत को ने रिक्वेस्ट किया था कि मैंने जो लास्ट वीडियो बनाई थी उसमें ग्रास का साइज़ बहुत ही छोटा था, तो क्या यह बड़ा घास को आसानी से काट सकता है या नहीं, तो उसी के लिए वीडियो है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस ग्राउंड में जो ग्रास है इसका हाइट ऑलमोस्ट 3 से 3.5 फुट तक का है और फिलहाल अभी दो लोग घास को काट रहे हैं। तो चलिए बगल से देखते हैं। देख सकते हैं एक बड़ा सा ब्लेड लगा हुआ है और इसी ब्लेड से ये घास को काटा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं ये काट पाता है या नहीं। ऑब्वियसली इसको काट सको, जब घास का साइज बड़ा होता है तो आपको मशीन को लेफ्ट टू राइट मूवमेंट करने में थोड़ी ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है। और जैसा कि मैं आपको अगर दिखाऊं तो ये वो फील्ड है, मॉर्निंग में इस जगह से घास काटना शुरू किया गया है और अभी मॉर्निंग आठ बजे से और अभी लगभग 10:30 बज रहे हैं और 10:30 बजे तक इतना घास काटा जा चुका है। आप देख सकते हैं कि घास अभी फ्रेश है, घास का हाइट आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब दूसरे मशीन के पास चलते हैं। ये देखिए कटाई, ये देखिए इस तरह से काटा गया है। और सॉरी को बता दें, यहाँ का जो मट्टी है बहुत ज़्यादा नरम है, पानी पड़ने के बाद यहाँ का सॉइल भी सॉफ्ट हो गया है। को वहाँ से हटा दे रहे हैं। तो यहाँ पर घास काटा हो गया है और वो घास को उसे हटा दे रहे हैं ताकि काटने में सुविधा हो। तो आशा करते हैं इस वीडियो में आपको समझ में आया होगा कि होंडा की ग्रास कटिंग कितना ज़्यादा पावर और चल के आप देख सकते हैं यहाँ पर काटा भी हो गया है। बस्ती काटने के समय में घास को हटाना भी बहुत जरूरी है, नहीं तो ये आपके मशीन को फिर डिस्टर्ब करेगा। तो आप देख सकते हैं ये रही घास की हाइट, लेंथ कितना ज़्यादा है। तो चलिए मेहनत का काम करने देते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।